नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जिला लुधियाना में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक पटवारी को स्टिंग ऑपरेशन के बाद शुक्रवार को रजिस्ट्री नामकरण खरीदार का नाम रिकॉर्ड में चढ़ाने के लिए पार्टी के एक नेता से रिश्वत के रूप में 5,000 रुपए लेते पकड़ा। आप नेताओं द्वारा दायर शिकायत के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया है। आरोपी की पहचान मोहन सिंह पटवारी के रूप में हुई है। आरोपी राजस्व विभाग के कानूनगो के पद से सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन उसे प्रशासन द्वारा 1 नवंबर 2022 को दोबारा पटवारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। आप हल्का दाखा प्रभारी KNS कंग ने बताया कि पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष वरिंदर सिंह ने डीट के नामकरण के लिए पटवारी से संपर्क किया। आरोपी ने उससे 10,000 रुपए की मांग की। पटवारी 2 किश्तों में रिश्वत लेने को तैयार था। कंग ने कहा कि आरोपियों को रिश्वत देने से पहले उन्होंने नोटों की फोटोकॉपियां करवा ली थी। आरोपी पटवारी ने जैसे ही रिश्वत के पैसे लिए और पैसे अपने दराज में रख लिए, इसी बीच उन्होंने छापेमारी कर उसके कब्जे से रुपए बरामद कर लिए। करेंसी नोटों के सीरियल नंबरों की फोटोकॉपी का मिलान किया गया, जिससे आरोपी को पकड़ लिया गया। इस छापेमारी की पूरी घटना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड की। घटना के बाद तुरंत विजिलेंस को सूचित किया गया। SSP विजिलेंस रविंदर पाल सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।